बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन या पर बायोलॉजिकल सक्सेशन, है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन या पर बायोलॉजिकल सक्सेशन। अच्छा तो जरा बात करते हैं, है ना, क्या होता है सक्सेशन, है ना। सक्सेशन होता है कुछ ऐसा, देखो पहले पढ़ लेते हैं, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। कम्युनिटीज क्या करेगी, एक कम्युनिटी आएगी, है ना, उसको रिप्लेस कर देगा कोई और कम्युनिटी, थोड़ी एडवांस कम्युनिटी, और इसको रिप्लेस कर देगा कोई और एडवांस कम्युनिटी, और इसको रिप्लेस करने के लिए आएगी कोई और एडवांस कम्युनिटी। और जब ऐसी ऐसी कम्युनिटी आ जाए जो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए और बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए एनवायरमेंट के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना। अच्छा तो ये बात करते हैं ना, तो कम्युनिटी क्या होता है जरा ये तो बता दो, कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है भाई, है ना। तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी पॉपुलेशन क्या होता है, है ना। और पॉपुलेशन के लिए बात करनी है तो पॉपुलेशन को समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी इंडिविजुअल क्या होता है। जैसे मैं हूं तो मैं क्या हूं, इंडिविजुअल, है ना, आप इंडिविजुअल हो, है ना, एक बिल्ली का बच्चा है तो वो क्या है, इंडिविजुअल है ना। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल, है ना। लेकिन अगर बात करी जाए कि अलीगढ़ में कितने लोग हैं, कितने ह्यूमंस हैं, तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी, है ना। तो आपके घर में कितने लोग हैं वो भी पॉपुलेशन कहलाएगा, है ना। आपके घर के अंदर कितने कितनी पॉपुलेशन है वो भी पॉपुलेशन कहलाएगा, है ना। किसी एक स्पेसिफिक जगह में, एक स्पेसिफिक टाइम में आप टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट कर लो एक स्पीसी की, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, है ना। जैसे चींटी वगैरह है ना बहुत सारी, तो चींटी वगैरह भी क्या होगा, एक पॉपुलेशन कहलाएगी, है ना। तो ह्यूमंस एक पॉपुलेशन हो गए, है ना, सारे ह्यूमंस मिला के क्या हो गया, एक पॉपुलेशन, है ना। चींटी वगैरह इतनी भी है, एक पॉपुलेशन हो गया। 8-10 बिल्ली आपके पास है, एक पॉपुलेशन हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। तो ये सब क्या हो गए, एक पॉपुलेशन हो गई। तो इन पॉपुलेशन को मिला दिया जाए अगर, है ना, ह्यूमंस की पॉपुलेशन, चींटी भी है यहाँ पर आसपास, है ना, है ना, और मक्खी वगैरह भी है ना, तो इन इन सब की पॉपुलेशन मिला दिया, चींटी की पॉपुलेशन को, मक्खी की पॉपुलेशन को, मेरी पॉपुलेशन को, ह्यूमंस की, मतलब ह्यूमंस की पॉपुलेशन को, इन सबको कलेक्टिवली बात करोगे तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। जब इनको कलेक्टिवली बात करोगे तो उसको बोलेंगे कम्युनिटी, समझ रहे हो, कम्युनिटी क्या होता है। अच्छा इकोसिस्टम क्या होता है, अच्छा क्या होता है भाई, देखो जरा सुनो, कम्युनिटी सुन में, है ना, कई सारी पॉपुलेशन अगर मिला दिया जाए, एक साथ बात करी जाए कई सारी पॉपुलेशन की, चींटी की पॉपुलेशन की, मक्खी की पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन, और ह्यूमंस की पॉपुलेशन को अगर मिला के एक साथ बात करी जाए, दो तीन पॉपुलेशन का ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, है ना, कई सारी पॉपुलेशन को एक साथ बात करी जाए तो कम्युनिटी कहेंगे, है ना। लेकिन कम्युनिटी जब हम हैं तो हम क्या सांस ले रहे, हम एयर को तो अंदर ले रहे हैं, है ना, तो एयर का भी इंटरेक्शन हमारे साथ, है ना, और हम पानी वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, पानी का इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, है ना, सॉइल भी डिपेंड करते हैं, सॉइल के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये सब कैसे हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं, एबायोटिक। तो एबायोटिक फैक्टर्स जब कम्युनिटी में मिल जाएंगे, कम्युनिटी समझाता है, और एबायोटिक फैक्टर जब मिला दिया जाए तो बोलेंगे इकोसिस्टम, समझ लो। तो क्या होते हैं, तो समझ आए कम्युनिटी क्या हुआ, है ना। जैसे मान लो, है ना, कम्युनिटी समझ आता है, कम्युनिटी समझ में आ गया ना, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट होगा, एक कम्युनिटी आएगी उसको रिप्लेस कर देगा कोई दूसरी कम्युनिटी, फिर कोई और एडवांस कम्युनिटी आएगी जो उसको रिप्लेस कर देगी, फिर इसको रिप्लेस करने के लिए कोई एडवांस कम्युनिटी आ जाएगी, और जब बिल्कुल एडवांस कम्युनिटी आ जाएगी तो उसको बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में सक्सेसिव कम्युनिटी को रिप्लेस करते 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 इसी को क्या बोलेंगे, है ना, जब इनका रिप्लेसमेंट होगा, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर बायोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोलॉजिकल सक्सेशन, ये एबायोटिक फैक्टर्स में भी होता है और बायोटिक फैक्टर में भी होता है, यानी कि एनिमल्स में भी होगा वहां पर सक्सेशन, है ना। एनिमल्स भी क्या हो जाएंगे कि एक कम्युनिटी आई, इसको रिप्लेस कर दिया दूसरी कम्युनिटी में, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, है ना। प्लांट्स आए, छोटे प्लांट्स, उनको रिप्लेस कर दिया थोड़े बड़े प्लांट्स ने, उसको रिप्लेस कर दिया थोड़े और एडवांस प्लांट ने, ऐसा कुछ। तो बायोटिक फैक्टर में भी होगा और एबायोटिक, बोथ पार्टिसिपेट इन इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर बायोलॉजिकल सक्सेशन। प्लांट भी पार्टिसिपेट करेगा और एनिमल भी पार्टिसिपेट करेगा। प्लांट भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है, जो हमारे एनसीईआरटी में बात है उसी के ऊपर बात है, प्लांट के ऊपर, है ना। लेकिन एनिमल भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है, समझे, कैसे मैं एग्जांपल दूंगा, है ना। जैसे प्लांट तो समझ आता है ना कि छोटे प्लांट से बिल्कुल, है ना, एल्गी का
उसके बाद थोड़े से मॉसेस आ गए, उसके बाद थोड़े और हर्ब्स आ गए, उसके बाद थोड़े और श्रब्स आ गए ना, एनिमल्स आ गए से, है ना। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो बुशेज है ना, बुशेज होंगी 3 फीट की, 3-4 फीट की बुशेज होंगी, है ना, 2 फीट 3 फीट की बुशेज होती है ना, बड़ी बड़ी बुशेज हो गई है ना, घास है ना, बड़ी बड़ी घास है। तो उनको खाने के लिए कौन होगा उस टाइम हर्बीवर्स, वहां पर जब बुशेज है एक एरिया में बहुत सारी खाली बुशेज है ना, तो वहां पे उनको खाने के लिए, उनको ग्रेस करने के लिए कौन होगा, उनको ग्रेस करने के लिए होता है डियर, गोट, शीप, ये सब लोग है ना, जो 3-4 फीट के होते हैं ना, ये सब घोड़ा हो सकता है ना, गधा हो सकता है ना, तो ये सब होंगे वहां पर ग्रेजिंग के लिए। लेकिन इनको रिप्लेस कर दिया, ये जो बुशेज हैं इनको रिप्लेस कर दिया टॉल ट्रीज ने, मान लो क्योंकि ये कम्युनिटी है बुशेज की, और बुशेज की कम्युनिटी को किसने रिप्लेस कर दिया, टॉल ट्रीज की कम्युनिटी ने रिप्लेस कर दिया, वो आ गया अब एडवांस कम्युनिटी, और ये वाली क्या हो गई, रिप्लेस हो गई, डिक्लाइन हो गई, हल्के हल्के कम होते जाएंगे इसके मेंबर, बुशेज के मेंबर कम होते जाएंगे और फिर डिक्लाइन ही हो जाएंगे ना, मतलब डिक्लाइन होते जाएंगे और डिसअपीयर हो जाएंगे फिर लास्ट में जाके, है ना। अब क्या हो गया, टॉल ट्रीज आ गई, तो यहाँ पर ये जो हिरन और भेड़ घूम रहा है ये बचेगा, यहाँ पर ये कहीं ना पहुंच जाएगा, ये देखेगा जहां पर इसको सुटेबल एनवायरमेंट मिलेगा, जहां पर इसको खाने के लिए खाना मिलेगा वहां पर चला जाएगा, है ना। यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएंगी, अब यहां पर टॉल प्लांट्स है तो ये तो काम करेंगे नहीं, ये तो चले गए यहां से, है ना, कौन चले गए, ये जो शीप वगैरह है ना, भेड़ बकरी वगैरह चले गए, है ना। अब कौन आ जाएगा यहाँ पर, टॉल हर्बीवोर्स, है ना, टॉल हर्बीवोर्स, जैसे कि ऊंट हो गया आपका, है ना, कैमल हो गया, है ना, जिराफ हो गया, है ना, तो ये सब क्या होंगे, ये टॉल हर्बीवोर्स है। तो टॉल हर्बीवोर्स ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसको, शॉर्ट हर्बीवोर्स को। तो ये भी क्या है, एक तरह का सक्सेसिव इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना। और इकोलॉजिकल सक्सेशन यहां पर कहां हुआ है, यहां पर एनिमल में भी हुआ है और प्लांट में भी हुआ है ना। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, लेकिन प्लांट में इकोलॉजिकल सक्सेशन ज्यादा विजिबल होता है ना, ज्यादा आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है ना। तो प्लांट सक्सेशन इज इजीली विजिबल या फिर डिटेक्टेबल। तो हम मेनली इस चैप्टर में जो पढ़ना है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, हमें प्लांट सक्सेशन ही पढ़ना है ना। तो और प्लांट भी दो तरह की सक्सेशन पढ़ना है, एक तो लैंड प्लांट्स होते हैं और एक वाटर में हो जाएगा, है ना। तो लैंड प्लांट का कैसे सक्सेशन होता है, कैसे वहां पे एडवांस करके प्लांट्स आएंगे, है ना, छोटे छोटे से प्लांट्स से फिर कैसे एडवांस बनेंगे, वैसे लैंड पे भी छोटी छोटी एल्गी से फिर एडवांस प्लांट्स बनेंगे, है ना, कैसे बनेंगे, कैसे उससे एडवांस एडवांस और फिर लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो वो कैसे हम बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं टू टाइप ऑफ सक्सेशन, दो तरह का सक्सेशन होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन जिसको बोलते हैं पेरिसीर, और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन जिसको बोलते हैं सबसीर, है ना। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। तो प्राइमरी सक्सेशन मतलब होता है कि प्राइमरी सक्सेशन वहां पर होगा जहां पर आज तक कोई सक्सेशन, जहां पर कोई आज तक वेजिटेशन ही नहीं हुआ, है ना, है ना, यहाँ पे कोई घास ही नहीं हुई है ना, जरा सी भी उसमें वहां पे वेजिटेशन नहीं हुआ है। तो ऐसी जगह जैसे पत्थर हुआ, पत्थर पर कभी घास उगी थी पहले, नहीं उगी थी, है ना, अभी बना है पत्थर, अब पत्थर पे क्या होगा, छोटी छोटी एल्गी आएगी, है ना, फिर मॉसेस आएंगे जो पत्थरों में, फिर क्या हो जाएंगे उनकी राइजोइड्स होंगे, वो पत्थरों में उनकी जड़ घुसने लगेगी थोड़ी 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 थोड़ी, तो पत्थर थोड़ा सा पोरस हो जाएगा, फिर वहां पर थोड़े और एडवांस प्लांट्स आ जाएंगे जिनकी रूट्स और मोटी हो जाएंगी, और वो और ज्यादा क्या करेंगे, पत्थर को पोरस करेंगे, और पत्थर क्या हो जाएगा, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन में क्या होगा, मिट्टी का फॉर्मेशन होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, है ना, इसको होने के लिए पत्थर पे पेड़ उगाने के लिए, पत्थर को बिल्कुल तोड़ देने के लिए और वहां पर पेड़ उगा देने के लिए, बिल्कुल मिट्टी नहीं है, है ना, वहां पर क्या कर देना, वहां पर वेजिटेशन कर देना, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो प्राइमरी सक्सेशन में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होगा, है ना। सेकेंडरी सक्सेशन वहां होता है जैसे कि कोई चीज थी, पूरा वेजिटेशन था वहां पर, लेकिन वो किसी मानसून की वजह से या किसी बाढ़ आ गई, है ना, या कोई जंगल था पूरा, है ना, और जंगल जल गया, है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है पूरे जंगलों में आग लग जाती है गर्मियों में, है ना, तो वो जल गया पूरा, उसके बाद दोबारा आ जाएगा, है ना, लेकिन वहां मिट्टी तो थी ना, ऐसा थोड़ी मिट्टी आएगा कोई, है ना। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा, ऐसी जगह पर होगा, है ना, जहां पर जैसे हमारी खेती होती है ना, तो खेती हो जाती है मान लो, है ना, पूरी पूरी, और उसको काट देते हैं फिर सबको, है ना, काट के वो मार्केट में बेच देंगे, है ना, और जब काट दिया तो पूरी दोबारा से क्या हो जाएगी, लैंड बिल्कुल साफ, है ना, फिर अब दोबारा से क्या करेंगे, हम वहां पर कुछ और लगाएंगे, है ना, कुछ और वेजिटेशन लगाएंगे वहां पर, है ना। तो ये इस तरह का सक्सेशन क्या कहलाएगा, इस तरह का वेजिटेशन क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा, है ना। बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन से और अच्छी तरह से, है ना।